जबलपुर में बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने दिव्यांग बुजुर्ग पिता को जिंदा जला दिया। आरोपी ने पिता को खटिया से बांधा, इसके बाद खाट में आग लगा दी। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, आरोपी कुल्हाड़ी लेकर मां को भी मारने दौड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान भाग कर बचाई। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात दर्शनी गांव में सोमवार मंगलवार दरमियानी रात की है, जहां सिहोरा थाना पुलिस ने बताया कि गांव में रहने वाले 65 वर्षीय रामजी पटेल दिव्यांग थे। उनके दो बेटे हैं। छोटा बेटा आदेश शराब का आदी है। वो रात में नशे में धुत होकर घर पहुंचा और चारपाई पर सो रहे दिव्यांग पिता से रुपए मांगने लगा। रामजी पटेल ने पैसे देने से मना कर दिया। इस पर आदेश विवाद करने लगा। शोर शराबा सुनकर माँ कोरी बाई भी आ गई। उन्होंने बीच बचाव किया तो कुल्हाड़ी से लेकर मां को मारने दौड़ा, जिसके बाद आरोपी बेटे ने कपड़े की रस्सी से पिता को चारपाई से बांध दिया और उसमें आग लगा दी और खुद वहां से भाग गया। रामजी को बचाने जब तक घर के दूसरे सदस्य पहुंचते, तब तक वो पूरी तरह से जल चुके थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मॉर्चरी में भिजवा दिया है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोरीबाई ने बताया कि आदेश आए दिन शराब के लिए पति से रुपए मांगता था, नहीं देने पर वो पिता से मारपीट भी करता था। बेटे की शराब की लत के कारण उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। जो प्राथमिक साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर यह पता चला है कि मृतक का बेटा जो है आदेश स्कूल, उसके द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।